सच के साथ एक कदम। आज संविधान दिवस पर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ आजादी की दूसरी लड़ाई को लेकर मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। मुश्तकीम अहमद मंसूरी राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ने अपना ओजस्वी विचार रखा। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। दबाव में, मुकदमे के दबाव में, ईडी के दबाव में, तमाम तरीके के दबाव में ईवीएम का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और मैं भानु प्रताप जी के जज्बे को सलाम करता हूं, उनके जो सेना है उनके लोगों को सलाम करता हूं कि उन लोगों ने जो ये कदम उठाया है, इस कदम की पूरा देश तारीफ कर रहा है, पूरा देश आपके साथ चलेगा। और एक दिन ये ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर आएगा, बैलेट से चुनाव होगा। और जहां तक इस सरकार की बात है तो मैं एक शेर के साथ, क्योंकि काफी वक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, पहले तो मैं ये बताऊं कि आपके आंदोलन में भानु प्रताप सिंह जी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तीन स्टेट में काम करती है, ये तीन स्टेट के हमारे एक एक कार्यकर्ता आपके साथ हैं, शाना व शाना है। कंधे से कंधा मिलाकर जहां आवाज देंगे मुस्लिम मजलिस का एक एक नौजवान आपके साथ खड़ा होगा। और मुस्लिम मजलिस ये वो पार्टी है, 1967 में डॉक्टर अब्दुल जनी फरीदी ने इसका कयाम किया था। ज्योतिबा फूले जी, परिहार जी को साउथ से इधर इंट्रोड्यूस कराने वाले, उनके तमाम लिटरेचर का ट्रांसलेशन कराने वाले डॉक्टर मरहूम फरीदी जी हैं, उन्हीं की जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। और इस वक्त मौजूदा सदर पूर्व सांसद इलियास आजमी साहब इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और इलियास साहब किसी वजह से आज प्रोग्राम में नहीं आ पाए, आइंदा भानु जी का जहां भी प्रोग्राम होगा वो इनके साथ होंगे। एक शेर में कहूंगा हिन्दुस्तान के लिए, गुलशन में रहा करता है हर एक परिंदा, हिंदुस्तान एक गुलशन की मानिंद है, यहाँ पर तमाम जात बरादरियों तमाम मजहबों के लोग रहते हैं, गुलशन में रहा करता है हर एक परिंदा। और मोदी जी और उनके अमित शाह जी के लिए है, गुलशन में रहा करता है हर एक परिंदा, उल्लू से ही कह दो तेरी जागीर नहीं है, गुलशन में रहा करता है हर एक परिंदा, उल्लू से ये कह दो तेरी जागीर नहीं है। और लिखा हो सहने हरम तेरे नाम, तारीख में ऐसी कोई तहरीर नहीं है। खुदा हाफिज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस समय दुनिया में अच्छे अच्छे जो है चले गए, धूल में मिल गए, किसी का नामो निशान नहीं रहा। तो किसी को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि तू जो कुछ कर रहा है वो सही है और हमेशा ही जिंदा रहेगा, और जो कुछ कर रहा है वो कायम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया ने, इस प्रकृति ने कितनों कितनों को मटा के साफ कर दिया, नामो निशान तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।